नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। वाराणसी और अहमदाबाद वासियों को नई सौगात मिली है, क्योंकि अब इन दोनों जगह के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। सीधी फ्लाइट का संचालन होने से लोगों को कितना फायदा मिलेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी से अहमदाबाद का सफर हुआ आसान। डायरेक्ट फ्लाइट से यात्रियों को होगी सुविधा, सीधी फ्लाइट से होगी समय की बचत। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए गो एयरवेज की सीधी विमान सेवा आज से शुरू हो गई है। ये विमान हफ्ते में 6 दिन संचालित होगा, जिसके लिए टिकट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। बता दें, अभी तक अहमदाबाद के लिए सीधी विमान सेवा नहीं थी। विमान यात्रियों को दिल्ली होकर जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसा दोनों अधिक खर्च होता था। इसी को ध्यान में रखते हुए गो एयरवेज ने इस रूट पर सीधी विमान चलाई है। वहीं इससे पहले पूर्व इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइस जेट और गो एयर की विमान सेवा वाराणसी अहमदाबाद के बीच संचालित होती थी, लेकिन कोविड के कारण गो एयरवेज और इंडिगो ने अपनी सेवाएं बंद कर दी थी, जबकि स्पाइस जेट ने 27 मार्च को अहमदाबाद की उड़ान सेवा बंद कर दी थी। वहीं गो एयरवेज के स्टेशन मैनेजर मलय जैन ने बताया, इस विमान के शुरू होने से वाराणसी अहमदाबाद के लिए यात्रियों को सहूलियत होगी। दोपहर 1:25 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान, दोपहर 3:35 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी फ्लाइट, शाम 4:05 पर बाबतपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट, शाम 5:55 पर अहमदाबाद पहुंचेगा विमान। फ्लाइट का किराया करीब 7 से 7,500। आगे उन्होंने बताया कि इसका शुरुआती किराया 7 से 7,500 है। हालांकि फ्लैक्सी फेयर होने के चलते किराया घट और बढ़ सकता है। आज की इस बिजी लाइफ में हर इंसान समय को बचाना चाहता है, और वहीं अब इस दो बड़े शहरों की सीधी विमान यात्रा शुरू होने से जहां एक तरफ लोगों के समय की बचत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो सीधी फ्लाइट से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 फायदे होंगे, जहां समय की बचत होगी, साथ ही साथ पैसों की बचत होगी, तो वहीं टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।